नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और बिना घुमाए फिराए आपको बता रहा हूं कि कैसे सिर्फ 48 घंटों में मोदी के चेहरे से नकाब उतर गया है। मोदी जी दरअसल कभी बाइडेन तो कभी पुतिन का गमछा ओढ़कर 2024 का माहौल बनाने में जुटे हैं। गमछा हटाकर कोई लोकतंत्र और अभिव्यक्ति पर सवाल कर लेता है तो अंधभक्तों की ट्रोल आर्मी और IT सेल उसको गद्दार, धर्मद्रोही और राष्ट्रद्रोही साबित करने के मिशन में लग जाती हैं। लेकिन जो फैक्ट्स आपके सामने मैं रख रहा हूँ, एक एक करके जरा उसको समझने की कोशिश कीजिए और अपने दिल से देश के किसी भी नेता की भक्ति को थोड़ी देर के लिए आराम करने का मौका दीजिए। फिर ध्यान से जरा सोचिए, जिन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश मैंने की है उनमें पहला सवाल ये है कि क्या फ्रांस के एक वीडियो ने मोदी के नारों और भारतीय मीडिया, जिसे अब लोग गोदी मीडिया के नाम से पुकारते हैं, इन सबको बेनकाब कर दिया है? और दूसरा सवाल ये कि क्या सिर्फ 48 घंटों में गांधी और मोदी का असली फर्क देश के सामने आ गया है? दरअसल फ्रांस में 17 साल के एक टीनेजर की हत्या हुई, देश हिंसा की आग में जलने लगा। आरोप है कि पुलिस की गोलीबारी में टीनेजर की मौत हो गई। उसके बाद लगातार 3 दिन हो गए फ्रांस में बड़े पैमाने पर दंगा फसाद हो रहे हैं, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, बैंक लूटे जा रहे हैं, देश में पूरे अराजकता का माहौल है। ऐसे में राष्ट्रपति वहां के इमैनुअल मैक्रो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मैक्रो साहब अपनी पत्नी ब्रिजेट के साथ सिंगर एल्टन जॉन के कंसर्ट में देखे गए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही मैक्रो की पूरे फ्रांस में आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि देश हिंसा की आग में धधक रहा है और राष्ट्रपति एल्टन जॉन के कंसर्ट में थिरक रहे हैं। पेरिस के एकोर एरिना में सिंगर जॉन एल्टन के कंसर्ट में राष्ट्रपति मैक्रो और उनकी पत्नी एक साथ नजर आई। इस पर एक शख्स ने फोटो उनकी तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों सिंगर एल्टन जॉन के कंसर्ट में हैं, जबकि पूरा फ्रांस जल रहा है। अब जरा भारत की एक तस्वीर पर नजर डालिए, बहुत जरूरी है इस वक्त। फ्रांस से तुलना कीजिएगा और सोचिएगा, भारत का जो है अभिन्न हिस्सा मणिपुर है, जिसने मोदी वाली भाजपा को चुना भी है। वही मणिपुर 60 दिनों से जल रहा है। 3 मई को मणिपुर में बवाल शुरू हुआ, लेकिन 3, 4, 6, 7 मई को मोदी जी कर्नाटक में रैली कर रहे थे, बूथ मजबूत कर रहे थे, कर्नाटक वालों को डबल इंजन के फायदे बता रहे थे, लेकिन कर्नाटक वाले थे बहुत समझदार भाई। मणिपुर में उस इंजन को देख रहे थे जो डिब्बों को खुद ही पटरी से उतार चुका था और बेतहाशा रौदे जा रहा था। फिर मोदी जी राजस्थान में रैली किए, फिर अमेरिका चले गए, मोदी मोदी के नारों के बीच में टेस्टी स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ। कभी बाइडेन झुककर मोदी की उदार लोकतांत्रिक छवि का नमन करते हैं, कभी पुतिन फोन करके यूक्रेन से जो है उलझन जो यूक्रेन के साथ है उससे निकलने का रास्ता पूछते हैं, लेकिन कोई नहीं पूछता मोदी जी से कि आपके देश में एक राज्य मणिपुर है जो जल रहा है, वहां कब पानी लेकर जाओगे आप प्रभु? चांद से मंगल तक मोदी की लोकप्रियता पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाली एंकर आए मणिपुर में ग्राउंड जीरो पर खड़े होकर मोदी जी को एक बार वहां आने के लिए मनुहार नहीं करती हैं हाथ जोड़ के। अब उस तमाशे पर गहरी नजर डालिए जो इम्फाल में शुक्रवार को किया गया। नाकाम मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, नाकाम, जिनकी नजरों के सामने पूरा राज्य जलता रहा, लेकिन वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जनजातीय पहाड़ी जिलों का दौरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आखिरकार खबर फैलाई गई है कि इस्तीफा देने जा रहे हैं हुजूर। दुनिया भर को अपनी इस मनसा की जानकारी देने के बाद वो अपना इस्तीफा लेकर राजभवन के लिए निकले पहुंचे। तब तक वहां पर प्रायोजित नौटंकी, उसके तहत मैतेई समुदाय की महिलाएं शोर मचाने लगीं। उनका इस्तीफा न देने की मांग करती हुई एक भीड़ वहां जमा हो गई। उनमें से एक महिला ने बीरेन सिंह के कर्मचारी से इस्तीफा छीन लिया, इस्तीफा छीन कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, फाड़ डाले। फिर उन महिलाओं ने उस इस्तीफे के टुकड़ों को अपने पैरों से रौंद दिया। इसके बाद बीरेन सिंह को मौका मिला, ट्वीट किया, उन्होंने इस्तीफा अब नहीं देंगे भैया, जनता जब उन्हें इतना चाहती है तो भला इस्तीफा कैसे दे सकते हैं। फाइनली भाजपाई मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर डटे रहे, भले ही 2 महीने से राज्य पर उनका कोई हुक्म नहीं चल रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है। अब भाजपा हाईकमान की सत्ता के बारे में इससे क्या संकेत मिलता है आपको? अगर पार्टी हाईकमान उनसे वाकई इस्तीफा चाहता था तो बीरेन सिंह ने भीड़ की ताकत दिखा करके हाईकमान को ठेंगा दिखा दिया, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सब ड्रामा था।
पार्टी के हुक्मरानों की उपेक्षा करते हुए इस्तीफा जो है उन्होंने नहीं दिया और अपनी ताकत दिखाने के लिए एक भीड़ जुटाने का ड्रामा किया। लेकिन ये सवाल कौन पूछेगा, आखिर हमारा ये महान लोकतंत्र जो है, क्या कोई मोदी जी के चिरंजीवी जश्नों पर जलते मणिपुर को लेकर सवाल या आलोचना करने का दुस्साहस करेगा? चिरंजीवी जश्न कभी खत्म नहीं होते, इसका जवाब तो यही लगता है नहीं, कोई नहीं करेगा, क्योंकि फ्रांस नहीं ये भारत है जिसे मोदी ने आत्ममुग्ध कर दिया है। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और मोदी और गांधी का जरा फर्क आपको हम बताते हैं, इस पर और ध्यान दीजिएगा। गांधी वो विचार है जो मोहनदास नाम के एक शख्स के भीतर था और बंटवारे पर जब हिंसा शुरू हुई याद कर लीजिए तो जाकर नोआखाली की सड़कों पर बैठ गया। सोचिए 15 अगस्त 1947 को देश जब आजाद हुआ तो महात्मा गांधी आजादी के जश्न में शरीक नहीं हो पाए थे, उस दौरान वो बंगाल के नोआखाली में थे, वहां सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए अनशन पर बैठे थे। पटेल जी जिनको आप अपना रहे हैं मोदी जी, और नेहरू जी गांधी जी को खत लिखे दोनों नेता और कहे कि स्वाधीनता दिवस पर आशीर्वाद देने आ जाओ बापू। लेकिन नेहरू और पटेल के खत के जवाब में गांधी ने पता है क्या कहा था? कहा जब देश सांप्रदायिक दंगे झेल रहा हो तो वो कैसे आजादी के जश्न में शामिल हो सकते हैं। अब आईटी सेल और अंधभक्त राहुल को कितना भी ट्रोल कर लो भाई, लेकिन दो दिन मणिपुर में बैठकर राहुल ने मोदी और गांधी का फर्क बता दिया। चलते चलते तो बस इतना कहूंगा, काश गांधी और मोदी का ये फर्क देश का मीडिया भी दिखा पाने और बता पाने की हालत में होता। यहां तो 9 साल की उपलब्धियों का जश्न बता रहे हैं और राहुल को ट्रोल करने का ट्रिक ढूंढने में सारे की मीडिया हाउस बिजी हैं। अब एक ही आपसे निवेदन है कि सच की इस मुहिम में हमारी ताकत बनिएगा। नमस्कार।